नमस्कार, मैं प्रज्ञा प्रिया, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज। अभी की सबसे बड़ी खबर राजनीति की गलियारे से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ताजा बयान में महागठबंधन में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मांझी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बराबर सीटों की मांग करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस की औकात ही क्या है, हमें भी बिहार में लोकसभा चुनाव में 20 सीटें चाहिए, उससे कम हमें मंजूर नहीं। एक सवाल में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पार्टी छोड़कर गए सदस्यों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस से अधिक चाहिए, हाँ चाहिए। उनका क्या आधार यहाँ रहा है? 27 नवंबर जीते हैं, लेकिन आधार क्या है? उनसे ज्यादा हमने मदद किया है राजद को। गठबंधन तो मेन गठबंधन वही है। हम तो ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस है, रालोसपा है, और लोग हैं, उन लोगों से एक चीज़ ज़्यादा चाहिए। वो राजद तो भाई मेन है, राजद के बारे में हम नहीं कर सकते। ये हमारे लोगों का कहना है, जिला अध्यक्षों का आज कहना है, ये हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। इसको जरा आप लोग समझ करके बात करें। नहीं, हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। ये आज प्रस्ताव पारित करके जिला अध्यक्षों ने, 31 जिला अध्यक्षों ने प्रस्ताव पारित करके एक कहा है आपसे बोलने के लिए। अब रही बात हमारी बात कब होगी, जब नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक में इसको इंडोर्स कर देंगे तब हमारी बात। आप मानते हैं ना कि हमको, हम 20 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं? हम तो पहले से कहा कि 20 सीट में हमारी तैयारी चल रही है। हमारी तरह से अगर मान लीजिए आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो किसी के साथ गठबंधन करेंगे? अब वो 18 तारीख को हम कहें, मतलब ऐसा ऑप्शन खुला हुआ है। ऑप्शन तो कहा कि हर महागठबंधन से जब आप अलग जाएंगे तो फिर इंडिया ही बचेगा। अलग जाने का बात नहीं है, अलग जाने की क्या बात है, साथ भी रहकर तो लड़ सकते हैं। आज वहाँ उत्तर प्रदेश में लोग लड़ गए तो इंडिया के साथ चले गए क्या?